29 नवंबर को होने वाले संसद मार्च को किसानों ने स्थगित कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में लिया गया फैसला। किसान मोर्चे के मुताबिक वो अगली बैठक 4 दिसंबर को करेंगे, क्योंकि सरकार ने हमसे वादा किया है कि 29 नवंबर को कानून संसद में रद्द होंगे। हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था जिसमें हमने कई मांगे रखी थी। हमने मांग की थी कि किसानों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए थे उन्हें रद्द कर दिया जाए, MSP की गारंटी दी जाए और जो किसान इस आंदोलन में शहीद हुए उनको मुआवजा दिया जाए, पराली और बिजली बिल भी रद्द किया जाए। जब हमने 29 का संसद कूच का ऐलान किया था तब 3 कानून रिपील नहीं हुए थे। उन्होंने पार्लियामेंट में विश्वास दिलाया है कि वो 29 को इन्हें रिपील करेंगे। हमने वेट किया है और ऐलान करते हैं कि 29 का संसद कूच संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सस्पेंड किया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है। जौनपुर में बीजेपी के काशी क्षेत्र के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में काशी क्षेत्र प्रभारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। रक्षा मंत्री ने 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले पर कांग्रेस पर निशाना साधा, तो वहीं CM ने जिन्ना वाले बयान पर अखिलेश यादव और बीजेपी सरकार में हुए विकास के बारे में बताते हुए जमकर हमला बोला। CM ने कहा कि देश को तोड़ने वाले तत्वों को हमें भूलना नहीं चाहिए। ये वही लोग हैं जो 2017 के पहले सत्ता रहने पर दंगों के जरिए प्रदेश के अंदर आस्था पर प्रहार करते थे। अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने संड्रीला में महाराज सलीह अर्कवंशी के 15वें मूर्ति स्थापना दिवस पर एक साझा रैली की। अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि रैली में उमड़ी भीड़ देखकर दिल्ली और लखनऊ में बैठे लोग लाल पीले हो रहे होंगे। उत्तर प्रदेश अब बदलाव चाह रहा है, उत्तर प्रदेश पिछड़ गया है, जबकि ओम राजभर ने कहा कि UP में इस बार खदेड़ा हो गए और इस मैदान में लाल पीला ही दिखाई दे रहा है। ये दो दलों का रंग है, लाल पीला। अभी तो दो ही रंग एक साथ आए हैं, अभी तो दो ही रंग है, लाल और पीला यहां दिखाई दे रहा है। सोचो लखनऊ में और दिल्ली में बैठे लोग कैसे लाल पीले हो रहे होंगे। प्रियंका गांधी ने महोबा में रैली कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी की नीयत साफ नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी मंच से झूठे वादे करते हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, बड़ी महंगाई से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, अपराध दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस की सरकार आने पर किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा और कोरोना काल में आर्थिक तंगी के चलते बिजली बिल जमा न करने वालों का बिल भी माफ होगा। हमने ये तय किया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। आपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से सुना कि उन्होंने कितने कर्ज माफ किए हैं छत्तीसगढ़ में। इससे पहले देश भर में 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा कांग्रेस पार्टी ने माफ कराया। 2022 के चुनाव के लिए सियासी बयानबाजी तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच खूब जमकर हो रही है, लेकिन जनता को लुभाने के लिए सॉन्ग वार भी जोरों पे है। समाजवादी पार्टी ने जहां 22 में खदेड़ा होबे की नाही की तर्ज पर गाना निकाला, तो वहीं बीजेपी ने भी गाने से पलटवार किया कि 22 को छोड़ो 27 की करो तैयारी, आएंगे तो योगी ही। लखीमपुर खीरी में दबंगों का आतंक। दबंगों ने बाइक सवार युवक को बेरहमी से पीटा। युवक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। निगासन कोतवाली इलाके के कस्बा निगासन का मामला। मुरादाबाद में सरकारी कर्मचारियों ने एक साथ इकट्ठा होकर मशाल जुलूस निकाला और मुख्यमंत्री को DM के माध्यम से ज्ञापन दिया। संविदा पर 20 साल से काम कर रहे कर्मचारियों ने निकाला मशाल जुलूस और सरकार से स्थायी करने की मांग की। संविदा कर्मचारियों के मुताबिक अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो हड़ताल पर चले जाएंगे।
सीतापुर के जिला महिला अस्पताल में स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों ने 7 सूत्रीय मांग को लेकर किया प्रदर्शन। ताली और थाली बजाकर किया अनोखे तरीके से प्रदर्शन। वेतन विसंगति और नियमितीकरण बीमा पॉलिसी को लेकर किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल के कुछ हिस्सों में ताला डालकर भी किया प्रदर्शन। श्रावस्ती में राज्य स्तरीय फुटबॉल मैच का हुआ समापन। राज्य मंत्री पलटू राम मुख्य अतिथि के तौर पर रहे मौजूद। खेलो इंडिया खेल को बढ़ावा देने के लिए मैच का किया गया आयोजन। नेपाल राष्ट्र ने बलरामपुर जनपद को हराकर ट्रॉफी की अपने नाम। दोनों टीमों में हुआ जबरदस्त मुकाबला।